गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू द मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में जा सके जो अभी तक जो खो चुकी है वापस से ज्यादा लोगों को पता चले इस बीमारी के बारे में कि कैसे लोग क्या क्या सफर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो इस वीडियो को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे आप कर सकते हैं। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ और तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए और हमने क्या क्या मेजर्स लिए, हम क्या मेडिसिन ले रहे हैं, कितने ठीक हो गए हैं, क्या सिम्टम है, सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इफ यू डोंट नो, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अभिनव, आई एम 21 इयर्स ओल्ड एंड रिसेंटली आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 और यू कैन से कोरोना वायरस। स्टोरी शुरू होती है कुछ टाइम पहले जब मेरे डैड ऑफिस से आए तो उन्हें कुछ सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे कि हेडेक हो रहा था उन्होंने, माइल्ड हेडेक हो रहा था उन्हें और फीवर हो रहा था उन्हें 100 के आसपास, ठीक है। और उसके अगले दिन मेरे को भी हुआ और उसके अगले दिन मेरी मम्मी को भी हुआ। तो फिर हमें लगा कि हमें टेस्ट कराना चाहिए और जब हमने टेस्ट कराया, जिसकी क्लिप मैं अभी तुम्हें पूरी दिखाऊंगा एंड में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हमने टेस्ट करवाया तो हमें टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ पूरी जो लाइन लगा रखी है उन्होंने, एक्चुअली वो क्रॉस लाइन है, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस वाले लगा के गए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी दोनों साइड लगा के गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ और मेरा घर सबसे कोने का है तो यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, इसलिए मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने मेरे घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया है, जो गवर्नमेंट है वो मेडिसिन दे के जाती है, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो। हमारे केस में ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह या पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं देखे गए। पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे आप अपने ऑक्सीजन वगैरह SO2 वगैरह आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे केस में वो अभी तक कुछ भी देके नहीं गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे देंगे। जैसे ही हमारा टेस्ट पॉजिटिव हुआ उसके अगले दिन ही दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और उन्होंने हमारा बस टेम्परेचर चेक किया, हमारे मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स का और मेरा, और टेम्परेचर जो था नॉर्मल था। उसके बाद हमें अभी तक भी कोई एज सच फॉलो अप कॉल नहीं आया है किसी भी चीज़ के लिए कि हमारी तबीयत ठीक है या जो भी है, यूजुअली आता है जो मैंने सुना है, बट अभी तक नहीं आया। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स की डे वन से और अभी तक, इट्स ऑलमोस्ट बिन अ वीक, अराउंड 7 days। तो जो फर्स्ट डे का सिम्टम था वो था हेडेक, ठीक है, माइल्ड हेडेक था मेरे सर में बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो था, मेरे को तो फीवर नहीं आया था बट मेरे मॉम डैड को अराउंड 100 फीवर था। मेरे को भी बॉडी में, मतलब मेरी बॉडी गर्म थी बट फीवरिश सा नहीं था, बट वीकनेस थी, ठीक है। तो ये डे वन और डे टू का सिम्टम था। और डे थ्री पे और डे फोर पे ये हुआ था कि जो मेरी जो जीभ का टेस्ट था वो बिल्कुल चला गया था, ठीक है, और कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था, चाहे वो मिर्ची हो चाहे वो नमक हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। हम दाल चावल खा रहे थे और उसके साथ में अचार खा रहा था, मेरे को सिर्फ अचार का टेस्ट आ रहा था, वो भी बहुत थोड़ा, तो आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। और डे 5 डे 6 पे आपको ऐसा लगेगा, खांसी आना शुरू हो जाएगी आपको, ठीक है, तो आपको खराश लगेगी आपको गले में और आपको खांसी आएगी, बट फीवर उतर चुका था, ठीक है। और कोई जितने भी हेडेक वगैरह कुछ भी नहीं था, फीवर उतर गया था, हेडेक भी नहीं था, सिर्फ अभी तक जो है वो डे 7 पे भी सिर्फ गले में खराश है और हल्की सी खांसी है। आगे की अपडेट्स मैं तुम्हें देता रहूँगा, ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको अपडेट देता रहूँगा। ये तो हमने बात कर ली गवर्नमेंट मेजर्स की और हमारे सिम्टम्स की अंटिल डे 7। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या मेजर्स लिए पर्सनल लेवल पे जिस दिन से हमें सिम्टम्स स्टार्ट हुए, ठीक है, बिफोर टेस्ट, जिस दिन से हमें सिम्टम्स स्टार्ट हुए हमने तभी घर से बाहर किसी के यहाँ पे जाना या जो हमारे जैसे अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे कुछ भी मिलना। मेरे दोस्तों ने भी मुझे बुलाया था पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सिम्टम्स हैं, प्रॉबेबली अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो उन लोगों को भी हो जाएगा। तो वो मैंने एक पर्सनल लेवल पे मेजर लिया कि मैं कहीं नहीं गया और मेरे घर वाले भी घर पे ही थे। और दूसरी बात, हम लोगों ने अपने आप को अलग अलग रूम्स में क्वारंटीन किया और अभी तक भी हम अलग अलग रूम्स में रहते हैं। कभी कभार हम साथ में आते हैं जैसे खाना वाना पीना, बट वो भी मास्क वगैरह लगा के हम लोग साथ में रहते हैं। और मेडिकेशंस वगैरह जो हम अभी तक ले रहे हैं वो है पैरासिटामोल अगर किसी को फीवर आता है, पर अब किसी को फीवर नहीं है तो हमें पैरासिटामोल देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी थी अजिथ्रोमाइसिन, वो अगर आपको गले में कुछ खराश वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है थ्रोट में, तो उसके लिए अभी वो भी कोई नहीं ले रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें जब खांसी है तो हम
उसके लिए हम काढ़ा ले रहे हैं और घी वाला दूध पी रहे हैं, ठीक है, गर्म पानी पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं और हम गार्गल कर रहे हैं। तो ये सारे मेजर्स हैं जो अभी तक हम अपने पर्सनल लेवल पे ले रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोस्टर देख लो, ठीक है, मेरे घर के बाहर लगा हुआ है और यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है मेरा, मेरी मॉम का, मेरे डैड का और मेरे भैया का जो हमारे घर में काम करते हैं, एज अ सर्वेंट काम करते हैं, तो उनका भी यहाँ पे नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले क्रॉस लाइन लगा के गए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड भी है, हमने पहले ही लगा दिया था। इनफैक्ट जो नो एंट्री का बोर्ड है हमने वो क्रॉस लाइन से पहले ही लगा दिया था, ठीक है, तब तक दिल्ली पुलिस वाले नहीं आए थे, पर हमने कोई आए ना ऐसे करके हम पहले ही लगा दिया था। और ये चीज़ हमने दोनों साइड लगा दी थी, इस साइड भी, ताकि ना कोई इस साइड से आ सके और ना कोई इस साइड से आ सके। तो ये जो प्रिकॉशंस थे हम पर्सनल लेवल पे पहले ही ले चुके थे। तो यार बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, और बस आपको वो टेस्ट वाली वीडियो मैं एंड में डाल दूंगा तो आप देख लेना। और बस यही कहना चाहता हूँ यार, यू गाइस हैव बीन सो सपोर्टिव और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैव बीन सो सपोर्टिव। और अभी तुमने देखा ही होगा, देखो अंकल भी यहाँ पे घूम रहे थे। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, अपने प्रिकॉशंस पूरे लेके चलो, बट दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, अपने प्रिकॉशंस आपको पूरे रखने हैं। और आपको ये नहीं देखना कि यार किसी को हो गया तो आप उसे गलत नज़र से देखो, बीमारी यार किसी को भी हो सकती है। अब मेट्रो खुल रही है 7 तारीख से, ठीक है, प्रिकॉशंस देने हैं, किसी को भी हो सकती है बीमारी, किसी को भी। तो बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगा यार कि बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। माता जी बोला ना।